बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जाबजादे चैनल शामदीद। वीडियो की जानी बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि और भी इसी तरह की वीडियोस आपको आसानी मिल सके। दोस्तों, पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नई वैकेंसीज का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी एड में भी आपको दिखाऊंगा। इस पे जो पहले नंबर पे पोस्ट है दोस्तों, वो है डिप्टी डायरेक्टर। इसके लिए जो तीन पोस्ट्स हैं और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो है बैचलर डिग्री और 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर है। नंबर 2 पे पोस्ट है वो है डिप्टी डायरेक्टर, बैचलर डिग्री रिक्वायर है और 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर है। उसके बाद नंबर 3 पे है डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर है दोस्तों, वो है MBA, ACMA, ACCA या CA। उसके बाद दोस्तों नंबर 4 पे है असिस्टेंट डायरेक्टर। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो है बैचलर डिग्री सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इसके लिए जो एक्सपीरियंस रिक्वायर है वो है दोस्तों 4 साल का। उसके बाद नंबर 5 पे है असिस्टेंट डायरेक्टर, इसके लिए बैचलर डिग्री रिक्वायर है। नंबर 6 पे असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन MBA है, CA है, ACMA है। इसी तरह नेक्स्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो है बैचलर डिग्री सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। नेक्स्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर BBA, MBA और मास्टर डिग्री रिक्वायर है, 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर है। नंबर 9 पे है असिस्टेंट डायरेक्टर एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी, इसके लिए मास्टर डिग्री रिक्वायर है। नंबर 10 पे है PS2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर, बैचलर डिग्री रिक्वायर है। नंबर 11 पे है असिस्टेंट अकाउंट्स बजट ऑफिसर, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है MBA, ACCA, ACMA और मास्टर डिग्री। इसके बाद इसके लिए जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का है। नंबर 12 पे है कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके लिए बैचलर डिग्री रिक्वायर है। नंबर 13 पे है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, इसके लिए बैचलर डिग्री रिक्वायर है और मुतलका फील्ड का एक्सपीरियंस रिक्वायर है। नंबर 14 पे है असिस्टेंट क्लर्क, इसके लिए BA, BSc रिक्वायर है और मुतलका फील्ड का एक्सपीरियंस रिक्वायर है। नंबर 15 पे है लैंड कलेक्टर, बैचलर डिग्री रिक्वायर है और मुतलका फील्ड का एक्सपीरियंस रिक्वायर है। उसके बाद है सब इंजीनियर, डिप्लोमा रिक्वायर है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल का और मुतलका फील्ड का एक्सपीरियंस रिक्वायर है और उम्र के हद भी हर पोस्ट में मेंशन है आगे दोस्तों। उसके बाद लास्ट में है पटवारी, इसके लिए जो दोस्तों क्वालिफिकेशन है वो है FSC या FA और इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 40 साल। दोस्तों, इसका जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करना है उसकी वेबसाइट इन्होंने दी हुई है, ये आप देख सकते हैं www.fts.net। मैं वेबसाइट पे आपको ले चलता हूँ, आप देख सकते हैं पेज ओपन हो गया है, लेफ्ट साइड पे लिखा है लेटेस्ट जॉब, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो जॉब्स आई हुई है ये लेटेस्ट हैं। इसकी तो दोस्तों लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 17 सितंबर, इसकी मैं डिटेल्स पे क्लिक करूंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो जिस न्यूज़पेपर में इसकी ऐड आई थी वो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट पड़ी है और जो इनकी तरफ से ऑफिशियल अपलोड की गई है वो उसकी PDF फाइल पड़ी है, तो मैं डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें मैं आपको मेन बात बता दूं कि इसमें जो 17 स्केल से ऊपर तक के लिए है उन्होंने ये डाउनलोड करना है फॉर्म, और जो 16 तक है और 16 से नीचे तक है उन्होंने ये डाउनलोड फॉर्म डाउनलोड करना है। इस पे मैं क्लिक करूंगा किसी एक पे। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने ये मुकम्मल फिल करके आपने जो फिल करना है उसके बाद आपने अपनी मैट्रिक इंटरमीडिएट DAE बैचलर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन आपने उसकी डिटेल्स मेंशन करनी है यहाँ। उसके बाद आपने दोस्तों इसके नीचे चलान फॉर्म भी दिया हुआ है जो MCB बैंक, HBL बैंक और इसमें दोनों में से आप किसी भी ब्रांच में 450 इसकी फी जमा करवा सकते हैं। फी जमा करवाने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद दोस्तों मैं लिए चलता हूँ आपको ऐड की तरफ। आपने अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स दो और CV आपकी, आपका CNIC और तालीमी इसनाद और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी है और जिस एड्रेस पे पोस्ट करनी है वो ये है FTS पेयर टेस्टिंग सर्विस हाउस नंबर 1543 स्ट्रीट नंबर 29 G11 इस्लामाबाद। और दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो है 17 सितंबर। इसकी एड का दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कोई भी मसला हो अप्लाई के दौरान आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।